Hello students, I welcome all of you in Kenny's Educare. Today we are solving exercise number 12.1 of your chapter Ratio and Proportion. This chapter is from your 6th Mathematics NCERT. So you start karte from the question number 1 se. Question number 1 is, there are 20 girls and 15 boys in a class. What is the ratio of number of girls to the number of boys and what is the ratio of number of girls to the total number of students in the class? Okay, hum yahan par find out karna hai. Humne already dekha tha ratio yahan par kaise find out kiya jata hai. To sabse pehle hame kya karna padega, number of girls 20 hai, number of boys yahan par 15 hai. To hum yahan par kya karenge, inke addition nikalenge to total number of students hame yahan par milenge to ye banta hai 35. So that's why ratio of the number of girls to the number of boys kya ho jayega, 20 अपॉन देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज का है टोटल के, यहाँ पर उन्होंने कुछ कहा नहीं है. सो 20 अपॉन 15, सो 5 3 जा 5 4 जा, सो 4 अपॉन 3 हमारा आंसर बनता है. ओके, फॉर द नेक्स्ट वन देखिए, अभी रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है. सो 20 अपॉन 35, 5 4 जा 5 7 जा, सो 4 अपॉन 7 हमारा आंसर बनता है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस. फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, देखिए यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल्स क्या हो जाएंगे, 6. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक द क्रिकेट, 12. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टेनिस क्या हो जाएगा, रिमेनिंग उन्होंने कहा है ना. सो 30 - 6 - 12 एंड वी गेट द 12. मतलब 12 स्टूडेंट्स को यहाँ पर टेनिस पसंद है एंड टोटल यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स है. सो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल कितने हैं, यहाँ पर फुटबॉल उनको 6 है एंड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस यहाँ पर 12. सो 6 अपॉन 12, 6 1 जा 6 2 जा, तो हाफ यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा. सो यहाँ पर आंसर आता है हमारा 12 अपॉन 30. सो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 6 5 जा एंड 6 2 जा. ओके, सो 2 अपॉन 5 हमारा आंसर बन गया. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू द ऑल फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल. तो चलो यहाँ पर सबसे पहले इन सभी जो फिगर्स है उनको काउंट करिए. सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 1 2 एंड 3 हमने लिखा. नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, 1 एंड 2 है. नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, यहाँ पर 1 एंड 2 है. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स क्या हो जाएंगे, 3 + 2 + 2, वी गेट 7. नाउ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल बनता है 3 अपॉन 2. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल 2 अपॉन 7. एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल्स टू द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल ऑल फिगर्स मतलब ये 2 अपॉन 7. कितना आसान क्वेश्चन था ना, करेक्ट. देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं. आपको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है. या आपको फुल मार्क्स देने वाले क्वेश्चन है तो इसे छोड़ना नहीं है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्टेंसेस ट्रैवल बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर. फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर. चलो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर. वी नो दैट द स्पीड ऑफ सर्टन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट ऑब्जेक्ट इन एन आवर. डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद इन 1 आवर यहाँ पर 9 किलोमीटर हो जाएगा. डिस्टेंस ट्रैवल बाय अख्तर इन 1 आवर 12 किलोमीटर हो जाएगा. तो स्पीड ऑफ हमीद देखिए यहाँ पर, स्पीड ऑफ हमीद है 9 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ अख्तर यहाँ पर 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. सो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो. सो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर बनता है 9 अपॉन 12. ओके, सो दैट्स वाई 3 9 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सो 3 अपॉन 4 हमारा आंसर बन गया. ओके, तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, हमें यहाँ पर जो ब्लैंक्स है यहाँ पर फिल करना है.
तो आर दिस इक्विवेलेंट रेशियो, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पर क्वेश्चन ये कहाँ का, ये फ्रैक्शन में ऑलरेडी हमने लर्न किया था 15/18 इज इक्वल टू यहाँ पर 6 चाहिए, डिनोमिनेटर में 6 चाहिए तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हो सकता है। वेन वी डिवाइड दिस नंबर, देखिए यहाँ पर ऐसे कौन से नंबर से हम यहाँ पर डिवाइड करें तो आंसर यहाँ पर 6 आए, तो 3 6 क्या होता है यहाँ पर 18 होता है, तो 3 से डिवाइड करिए सो हमें मिल जाएगा आंसर 5। सो यहाँ पर आता है आंसर 5। देन आफ्टर दैट यहाँ पर 10 कब आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 मतलब यहाँ पर 10 है, 5 टू जा 10, 6 टू जा 12। देन आफ्टर दैट यहाँ पर 30 चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर 30 कब आएगा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 30 चाहिए, ऊपर की वैल्यू यहाँ पर ऐसी चाहिए, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, देखिए 6 5 का क्या हो जाएगा 30, सो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाता है 25/30। सो ऑल दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सभी क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। देखिए इसका आंसर, सो हेंस 5/5, 12 एंड 25 आर द नंबर्स विच कम्स इन अ ब्लैंक्स रिस्पेक्टिवली, येस ऑल आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके रेशियो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशियोज है, अभी आप फ्रैक्शन को यहाँ पर रेशियो के नाम से रिप्रेजेंट करोगे। ओके सो दिस ऑल आर द इक्विवेलेंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या करना है इन सभी का रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले है 81/108, ओके तो ऐसे कौन सा नंबर है जिससे हम यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर सकते, तो यहाँ पर 3 है, देखिए 81 यहाँ पर डिवाइड करना है 3 से, सो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स 3 टू जा 6 आ जाता है रिमेनिंग यहाँ पर 2 एंड 3 7 जा तो 27 आ गया, अगेन यहाँ पर 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, अगेन देखिए दोनों भी नंबर्स 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 2 जा अगेन यहाँ पर 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 3 4 जा, सो वी गेट द आंसर 3/4। देखिए स्टूडेंट्स कितना आसान था, हम क्या करें यहाँ पर देखिए जो डिविजिबिलिटी रूल हमने लर्न किया था उससे हमने यहाँ पर इसे सॉल्व किया, पहले 3 से डिवाइड किया, अगेन 3 से डिविजिबल है तो अगेन 3 से डिविजिबल किया, अगेन 3 से डिविजिबल है तो अगेन 3 से डिवाइड किया, तो हमें लास्टली हमें आंसर मिला 3/4, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3/4। नाउ नेक्स्ट वन बी देखिए यहाँ पर 98/63, ओके सो ये नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है, क्या देखिए कॉमन नंबर से, तो ये 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 1 जा देन यहाँ पर 7 2 जा, देखिए 7 यहाँ पर आता है 8 9 28, तो 7 4 जा आ जाएगा यहाँ पर, ओके देन आफ्टर दैट 7 63 मतलब 7 9 जा 63, तो 14/9 हमारा आंसर बन गया। ओके नाउ नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर भी किलोमीटर से, यहाँ पर भी किलोमीटर से मतलब यूनिट तो सेम है, सो 33/121 हमें आसानी से पता है कि ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 थ्री जा 33 एंड 11 11 जा 121 होता है। ओके देन आफ्टर दैट नेक्स्ट यहाँ पर 30/45, देखिए दोनों भी नंबर 3 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, हम 5 से डिवाइड करते तो 5 6 जा एंड यहाँ पर आता है 5 9 जा, अगेन दोस टू आर द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 3 2 जा 3 3 जा 9, ओके सो 2/3 हमारा आंसर बन गया। नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर देखिए यूनिट सेम नहीं है, फर्स्ट वी नीड टू बी कन्वर्ट इन टू द सेम यूनिट, सो दैट्स वाई 30 मिनट्स यहाँ पर 30 मिनट्स ही होंगे, 1.5 आवर्स मतलब 30 मिनट्स अपॉन देखिए 1.5 आवर्स है, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो 30/1.5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो वी गेट हाउ मच, तो यहाँ पर कन्वर्जन करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, देखिए आप डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 1.5 है ना, सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 10, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60, देखिए स्टूडेंट्स 300/1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 15 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 60 10 10 गेट कैंसल, 15 1 जा 15 2 जा, सो 2/6, नाउ अगेन 2 1 जा 2 3 जा एंड वी गेट द आंसर 1/3। ओके आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या तो स्टूडेंट देखिए 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60
करके भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। देर आर मेनी ऑफ द वेज टू कैलकुलेट। ओके, अब तक आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स सॉल्व किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, आपने यहाँ पर सॉल्व भी किए हैं, तो आपको जो भी मेथड लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60 होता है 30 अपॉन 90। सो देखिए, 0 0 गेट कैंसल, तो 3 3 1 जा 3 3 जा, सो 1/3 अगेन वी गेट द आंसर। ओके, नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। नेक्स्ट यहाँ पर 40 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर्स, 1.5 मीटर्स इज इक्वल टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, सो वी गेट 150, ओके 150 यहाँ पर बनता है। ओके, देन आफ्टर दैट 40 अपॉन 150 क्या होता है रेशियो, देखिए 0 0 गेट कैंसल, सो 4/15 हमारा आंसर बनता है। नेक्स्ट वन देखिए, 15 पैसा इजी एंड यहाँ पर 1 रुपीज दिया है, सो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, सो दैट्स वाई 55/100, 5 1 5 1 5 2 0 11/12 हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट आफ्टर दैट 500 ml एंड 2 liters, ओके सो 500 ml upon 2 liters मतलब 2 multiply by 1000 वी गेट 2000 liters, सो यहाँ पर आता है 2000 1 0 1 0 1 0 1 0, सो वी गेट 5/20 अगेन 5 1 5 4 जा, सो 1/4 हमारा आंसर बन गया फॉर द डी। सो आंसर क्या आ गया, 1/4। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ ईयर सीमा अर्न्स रुपीज 1,50,000 एंड सेव्स 50,000, फाइंड द रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स, मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर मनी अर्न बाय सीमा 1,50,000, मनी सेव बाय हर 50,000, तो मनी स्पेंड बाय हर कितना हो जाएगा, 1,50,000 माइनस 50,000 वी गेट 1 lakh, सो रेशियो ऑफ मनी अर्न बाय मनी सेव यहाँ पर देखिए रेशियो 1,50,000 upon 50,000, सो कैसे सॉल्व करना है, 1 5 1 2 3 4 upon 1 2 3 4, ओके सो 1 0 1 0 1 0 1 0 गेट कैंसल, 1 0 1 0 1 0 गेट कैंसल, 5 1 जा एंड 5 3 जा, सो 3/1 हमारा आंसर बन गया। ओके, तो सिमिलरली हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट के लिए 50,000, देखिए यहाँ पर 50,000 upon 1 lakh यहाँ पर है, सो 1 2 3 1 2 3 1 1 5 1 जा 5 2 जा, सो 1/2 हमारा नेक्स्ट का आंसर बन गया रेशियो ऑफ मनी सेव टू मनी स्पेंड के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, देखिए नंबर ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल 102, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 3,300, सो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या बनता है, 102 upon 3,300, सो दैट्स वाई देखिए ये नंबर हम यहाँ पर 2 multiply by 3 multiply by 17 एंड ये नंबर 2 multiply by 3 multiply by 515, मतलब आप यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर से भी फाइंड आउट कर सकते हो, सो वी गेट देखिए 2 3 गेट कैंसल, सो 17/550 हमारा आंसर बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर, इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट्स 2,300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 4,320, नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर 2,300, नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर 2,020, सो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर बनता है 2,300 upon 4,320, सो 1 0 1 0 गेट कैंसल, 230 upon 432। देखिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पर 2 से डिविजिबल करके इसे स्मॉल स्मॉल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 115 upon 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 216, तो 2 2 2 2 गेट कैंसल, 5 also गेट कैंसल, तो 115 upon 216 यहाँ पर आपका आंसर बनता है। देन आफ्टर दैट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर 2020 upon 2,300, देखिए 1 0 1 0 गेट कैंसिल अगेन, 202 upon 230, तो आप इसे सॉल्व करके बाद आपका आंसर आता है 101 upon 115। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर बनता है 2020 upon 4,320
अगेन 1010 गेट कैंसल, सो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आता है 101 अपॉन 216, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स 11 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 ऑप्टेड क्रिकेट एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस। इफ अ स्टूडेंट्स कैन ऑप्टेड, देखिए यहाँ पर ओनली द गेम, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, तो आता है 750 अपॉन 250। देखिए 0 गेट कैंसल, 25 वन्स आर, 25 थ्रीज आर एंड वी गेट द आंसर 3 अपॉन 1। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल, ये 800 अपॉन 750, 1010 गेट कैंसल, तो ये आता है 80 अपॉन 75। देखिए स्टूडेंट्स 5 वन्स आ जाएगा, देन 3 आ जाएगा, 5 सिक्स आ, 16 आ गए, 5 वन्स आ, 5 आ, तो 16 अपॉन 15 हमारा आंसर बन गया। देन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आता है 750 अपॉन 1800, सो 1010 गेट कैंसल, अगेन 5 से डिवाइड करिए, सो यहाँ पर 25 अपॉन 60 हमारा आंसर आता है। अगेन वी कैन डिवाइड बाय यहाँ पर 5 से, सो 5 वन्स आ एंड 5 ट्वेल्व्स आ 16, सो वी गेट द आंसर 5 अपॉन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स इज 180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज 56, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन्स टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। देखिए कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स यहाँ पर 180 है, कॉस्ट ऑफ वन पेन यहाँ पर 180 अपॉन 12 बनेगा ना, करेक्ट, यस, तो यहाँ पर आंसर आता है 15। सो कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स यहाँ पर 56 है, सो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इज इक्वल टू 56 अपॉन 8, सो वी गेट द आंसर यहाँ पर 7 रुपीज। सो यहाँ पर देखिए रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 7, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रीथ एंड लेंथ ऑफ हॉल इज 2:5, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रीड्स एंड लेंथ ऑफ द हॉल, ओके। सो 2:5 रेशियो है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 10:25 है, मतलब इफ वी मल्टीप्लाई दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 वी गेट 10:25। तो उसी तरीके से यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें 50 चाहिए, तो 2:5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, सही ना, मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 50 आ गया, मतलब यहाँ पर 20। देन आफ्टर दैट यहाँ पर अगर 40 आ रहा है ऊपर देखिए, सो 20:50 है, सो मल्टीप्लाई बाय 2, सो वी गेट 22 जा 40 एंड 52 जा 100, सो यहाँ पर 100 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाता है आंसर 20। तो आपका ये टेबल कंप्लीट हो गया। तो इसका सॉल्यूशन भी देखिए स्टेप वाइज हम कैसे लिखेंगे इसे, तो इसका सॉल्यूशन बनता है इस तरीके से, लेंथ ऑफ यहाँ पर 50 मीटर है, तो ब्रेथ यहाँ पर ब्रेथ अपॉन 50, 2:5 है, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप आसानी से जैसे मैंने आपको बता दिया वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर 20 आ जाएगा आंसर एंड यहाँ पर 100 आ जाता है, ओके। आई थिंक ये इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, या तो आप यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया 20:25 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उस तरीके से मल्टीप्लाई बाय टू आ जाता है 20:50, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइड 20 पेंस बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2, ओके। हमें डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखिए टर्म्स यहाँ पर 3:2 हम कह सकते हैं, 3:2 है, तो सम ऑफ दिस टर्म्स यहाँ पर 3+2 हो जाएगा। सो नाउ शीला विल गेट 3:5 ऑफ टोटल पेंस एंड संगीता विल गेट 2:5 ऑफ टोटल पेंस। सो नंबर ऑफ पेंस हैविंग विथ शीला यहाँ पर 3:5 मल्टीप्लाई बाय 20, मतलब यहाँ पर 5 वन्स आ, 5 फोर्स आ, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 वी गेट 12। सो नंबर ऑफ पेंस हैविंग विथ संगीता 2:5 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 वन्स आ, 5 फोर्स आ, सो 4 टूज आ 8, तो वी गेट द आंसर 8, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड 36 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। इफ द एज ऑफ श्रेया इज 15 ईयर्स एंड एज ऑफ भूमिका इज 12 ईयर्स, फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट, ओके। सो 15 अपॉन 12 का रेशियो फाइंड आउट करिए जल्दी से।
तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एजेस 15/12, सो वी गेट 5/4, ओके। सो हेंस मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड 36 इन द रेशियो ऑफ 5:4, ओके। सो टर्म्स 5:4 आर 5 एंड 4, सो सम ऑफ दिस यहाँ पर 9 बन जाएगा। सो 9 पार्ट्स इस 36 के बनाने पड़ेंगे, उसमें से 5 पार्ट जाएंगे यहाँ पर श्रेया के लिए एंड 4 पार्ट्स आ जाएंगे भूमिका के लिए। सो दैट्स वाई अमाउंट ऑफ श्रेया गेट्स 5/9 मल्टीप्लाई बाय 36, 9 ones are 9 4s are, सो 4 5s are 20, एंड अगेन 4/9 मल्टीप्लाई बाय 36, 4 4s are 16, सो देयरफॉर श्रेया विल गेट 20 एंड संगीता विल गेट 16 rupees, ओके। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 years एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 years, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वॉज 12 years old, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 years, एंड एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वॉज 30 years old, ओके। तो यहाँ पर 4 का हमें आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए प्रेजेंट एज ऑफ फादर 42 years, तो 14 प्रेजेंट एज ऑफ सन यहाँ पर 14 years है, तो रिक्वायर्ड रेशियो 42/14 मतलब 3/1। नेक्स्ट द सन वॉज 12 years old 2 years ago, सो द एज ऑफ फादर्स 2 years ago विल बी 40 years, सो यहाँ पर 40/12 अगेन 10/3 हमारा आंसर बन जाएगा। आफ्टर 10 years एज ऑफ फादर यहाँ पर 52, सन का एज हो जाएगा 24, सो यहाँ पर 52/24 आता है आंसर 13/6। 12 years ago एज ऑफ फादर वॉज 30, एट द सेम टाइम एज ऑफ सन क्या हो जाएगा 14-12 2 years हो जाता है, 30/2 मतलब 2 ones are 2 15s are, सो वी गेट द आंसर 15/1, ओके। तो ये सभी आपका आंसर बन जाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट का आंसर 3/1, नेक्स्ट का आंसर 10/3, देन 13/6 एंड 15/1। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज नंबर 12.1 यहाँ पर ही एंड हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।